अस्सलाम वालेकुम, माह सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम फर्स्ट एंड सेकंड सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात डिस्कस करना चाह रही हूँ आप लोगों से कि हमारी दो सीरीज़ हैं, एक जीके की और एक करंट अफेयर की। मैं एक ही वीडियो के अंदर दोनों चीज़ें डिस्कस नहीं कर रही होती, लेकिन अगर जीके के लेक्चर के अंदर उसकी पर्सनैलिटी या फिर उसके एरिया से रिलेटेड कोई अपडेट्स होती हैं जस्ट मैं उनको ऐड कर देती हूँ, तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। ठीक हो गया, आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है न्यूज़ एजेंसीज़ में। सबसे पहले है सना। सना जो है ये सीरिया की न्यूज़ एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म है सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी। और सना जो है एक मुल्क का कैपिटल भी तो है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सना किस मुल्क का कैपिटल है। उसके बाद है SPA। SPA कहते हैं सऊदी प्रेस एजेंसी, ये सऊदी अरेबिया की न्यूज़ एजेंसी है। उसके बाद है RIA नवोसिटी, ये रशिया की न्यूज़ एजेंसी है। उसके बाद है कुछ करेंसीज़ में सबसे पहले देख लेते हैं यूके की है पाउंड स्टर्लिंग, इसका ये PPSC का बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है डेनमार्क की है क्रोने, ये भी PPSC का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये दोनों ये जो सॉरी क्रोने है ये सिर्फ डेनमार्क की नहीं है, और भी मालिक की करेंसी है, ये मैं आप लोगों के साथ वक्त के साथ शेयर करती रहूँगी। उसके बाद एक प्रेजिडेंट थे और एक है चीफ। प्रेजिडेंट देख लेते हैं, ताइवान जो एक कंट्री है उनकी प्रेजिडेंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम है साई इंग वेन, के अपने मुल्क की पहली प्रेजिडेंट हैं। और ताइवान से रिलेटेड ये लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई थी कि ताइवान ने कहा है अगर चाइना की मिलिट्री फोर्सेस हमारे मुल्क के अंदर एंटर होती हैं तो हम भी इसको काउंटर करेंगे। आप इसको ताइवान की एक छोटी सी धमकी समझ लें चाइना के लिए। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ जो है राफेल ग्रोसी, और IAEA का हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो इसने रिसेंटली इनकी ये न्यूज़ आई हुई थी कि IAEA के कुछ इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो ज़ेपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यूक्रेन में है, और रशिया ने अटैक किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है ना उस पर, उसके अंदर इसके इन्वेस्टिगेटर्स गए हैं वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे IAEA के। तो बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसके इस वक्त चीफ कौन है, बाकी डिटेल आपके उनकी मेमोराइजेशन के लिए है जस्ट। उसके बाद है कुछ सिटीज़ के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं अलीपो जो है ये सीरिया की अलीपो सीरिया की सिटी है, और ये भी PPSC का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अलीपो के अंदर एक अलीपो एयरपोर्ट भी है, इसकी रिसेंट न्यूज़ ये आई हुई थी कि अलीपो एयरपोर्ट पे सीरियन मिसाइल्स ने अटैक किया है और वहाँ पे नुकसान पहुँचाया है। और अच्छा ये भी बात याद कर लें कि सीरिया की जो सिविल वार है ये 2011 के अंदर स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है तेपाई जो है ये ताइवान की सिटी है और ये ताइवान का कैपिटल भी है। उसके बाद है बसरा जो है ये सिटी इराक के अंदर है। इराक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेशन टाइप वहाँ पर चल रही है ना, मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ इराक में। तो ये उसके न्यूज़ है कि वहाँ पर सीवियर वायलेंस स्टार्ट हो गई हैं उन दो मेन ब्लॉक्स के अंदर। फिर उसके बाद है कुछ पर्सनालिटीज़ आज वाली जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मुनीर अकरम पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में। उसके बाद है माइकल बैचलर जो है ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, और ये चिली से बिलोंग करती है। जीके की सीरीज़ के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो इनका रिसेंटली ये न्यूज़ आई हुई है कि इन्होंने ये अपना जो ऑफिस है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का, यहाँ पर इनका टर्म ख़त्म हो गया है 31 अगस्त को, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इनका फोर ईयर्स का होता है, तो ये अभी 31 अगस्त को इनका एंड हो गया है। ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है जीके के अंदर चिली की कंट्री के अंदर की अपनी पर्सनैलिटी, उसको भी आप लोग अपडेट कर लें। फिर उसके बाद है मैरी पल्टोला जो है ये अलास्का की नेटिव है, और ये इसके रिलेटेड से न्यूज़ आई हुई थी कि कांग्रेस के अंदर ये अलास्का की फर्स्ट नेटिव है जो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद है रोज़मा मंजूर जो है इनको रिसेंटली 10 ईयर्स की सज़ा हुई है जेल की, और इनसे क्योंकि इनके ऊपर कुछ चार्जेस हैं जिसकी वजह से इनको 10 ईयर्स की सज़ा हुई है। अच्छा, रोज़मा मंजूर की इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि ये नजीब रजाक की वाइफ है। नजीब रजाक कौन है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ये PM है मलेशिया के, फॉर्मर PM है जिनको 12 साल की जेल की सजा हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद है माइकल गोरबैचेव ये 30 अगस्त 2022 को इनकी डेथ हो गई है। ये सोवियत यूनियन जिसको USSR भी कहते हैं उसके लास्ट लीडर थे, और ये जो है USSR 15 कंट्रीज़ का एक ब्लॉक था, और ये ब्रेक कब हुआ है 31 दिसंबर 1991 में। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ ये भी है
कि जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने इनकार कर दिया है इनके फनरल पेयर के अंदर जाने से, क्योंकि इनको लगता है कि जो यूएसएसआर एक ब्लॉक था वो इनकी नाहली की वजह से ब्रेक हुआ है। उसके बाद है लेडी डियाना। लेडी डियाना की रिसेंटली इन्होंने एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है, इनकी डेथ हुई थी 31 अगस्त 1997 में। उसके बाद है सैयद अली शाह। सैयद अली शाह गिलानी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ये प्रो पाकिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर है वहाँ से। इनका इनकी डेथ पिछले साल हुई थी सितंबर 1, 2021 के अंदर। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो सितंबर 1 को बाबा हुरियत डे सेलिब्रेट किया है इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इस दफ़ा। तो इनकी एक बुक भी है बाय द बैंक्स ऑफ द वुलर, यहाँ पे दी जाता है। फिर उसके बाद है कुछ मिसेलिनियस क्वेश्चंस। मिसेलिनियस क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले APTM में देख लेते हैं कि किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। इसकी भी रिसेंट ये भी PPSC का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर ये न्यूज़ आई हुई है कि APTM में जो है इसकी कॉटन काउंसिल जो है ना USA की, उनकी जो कॉटन काउंसिल है USA की और APTM है इनके दरमियान में एक मीटिंग हुई है। मीटिंग के अंदर बस उन्होंने ये डिस्कस किया है कि किस तरह से कॉटन के चैलेंजेस को हम कैसे, कौन कौन से चैलेंजेस हैं और किस तरह से इनको, इनका सोल्यूशन दिया जा सकता है, बस ये उन्होंने डिस्कस किया है वहाँ पे। उन्होंने कहा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो है कॉटन USA से मंगवाए, यहाँ पे उसकी वैल्यू एडिशन करें, मतलब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स उनकी बनाएं और USA को वापस भेज दें। इस तरह से दोनों को फ़ायदा होगा, USA को और पाकिस्तान को दोनों को। फिर उसके बाद है एनर्गो एटम, ये न्यूक्लियर एजेंसी है, यूक्रेन से बिलोंग कर दिया। उसके बाद ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था, ये अक्टूबर 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टार्ट होगा। उसके बाद गैज़प्रोम जो है ये रशियन एनर्जी जायंट है, इसने रिसेंटली जर्मनी का जो गैस भेज रहा था उसको इसने स्टॉप कर दिया है। फिर उसके बाद है फेडरल नेटवर्क एजेंसी जो है ये भी जर्मनी से बिलोंग करती है। उसके बाद है हीट ट्रैपिंग एमिशन से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, आप लोगों को पता है कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी गैसेज रिलीज़ हो रही हैं जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो हीट को बाहर नहीं जाने देती। अब उन एमिशंस के अंदर पाकिस्तान का सिर्फ रोल जो है वो लेस देन 0.5% है और USA का है 25%। एक्चुअली ऐसी ये न्यूज़ ये थी कि USA या फिर जो दूसरे हैं जो मालिक ये एमिशन के अंदर जिनका ज़्यादा रोल है, उनको चाहिए कि पाकिस्तान की हेल्प करे कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर जो भी सिचुएशन है उसको पाकिस्तान टैकल कर सके। उसके बाद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त उमर अता बंदियाल। तो आज के लिए इतना ही, मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग कैंड इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई सजेशन हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।